नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्यालॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका सत्यालॉजी शो में बहुत बहुत स्वागत है। और सत्यालॉजी को के सारे वीडियोस रेफरेंसेबल हैं, आप शुरू से आखिर तक हमारे वीडियोस देखेंगे, सारे वीडियोस में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि ज्ञान, वेदों का ज्ञान इतना सारा है कि एक से कंप्लीट नहीं होता है। और मेंबर्स के लिए मेरी भगवद्गीता की सीरीज है, उसको आप देखिए। और रामेश्वर मिश्र पंकज जी की जो सीरीज जो चल रही है, उनके सारे पॉलिटिकल वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि राज धर्म भी राज विज्ञान है। तो उसको जरूर आप देखिए, नोट्स बनाइए, और शायद यूपीएससी में आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी उनके नोट्स देख के। यू आर डियर लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार। तो पत्तालॉजी के सभी दर्शकों को नमस्कार। जो आज भारत के राजनीतिक दलों के गुणदोष की विवेचना हम लोग कर रहे हैं, तो आज समाजवादी पार्टियों के बारे में बताएंगे, और इसके बाद फिर कांग्रेस के बारे में बताएंगे जो इन सब की चाची है। यानी कांग्रेस जो है वो भारत के सभी राजनीतिक दलों की चाची है, और इनकी माँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है। सारे भारत की सभी पार्टियों की माँ या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया और इंग्लैंड है, और या सोवियत संघ है, लेकिन कांग्रेस इनकी चाची है, और कांग्रेस से सारी पार्टियां निकली हैं। इसलिए कांग्रेस के बारे में शाम को विस्तार से बताएंगे। अभी एक लाइन बता दीजिए, समाजवाद कहां से आया? समाजवाद यूरोप का शब्द है, सोशलिज्म, और चर्च के अत्याचारों से उबकर यूरोप के जो थोड़े एनलाइटेंड लोग थे, जब दुनिया के बारे में उन्हें पता चला तो उनको और तो कुछ नहीं सूझा, लेकिन उन्होंने चर्च में जो रिलीजन के नाम से भयंकर कंट्रोल था, बहुत ही आसुरी और पैशाचिक कंट्रोल था, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने रिलीजन का विरोध शुरू किया। और उनके लिए रिलीजन का एक ही अर्थ था, क्रिश्चियनिटी, क्योंकि तब तक वो दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। और क्रिश्चियनिटी ने और चर्च ने जो उनको सिखाया था, फॉल्स ईगो, कि बस हमारे पास लाइट है, जीसस ही लाइट है, जीसस इज दी ओनली लाइट, केवल जीसस सच्चा प्रकाश है, और हमारे पास जीसस है। हालांकि उनके पास जीसस क्या है क्या नहीं, ये परीक्षण का विषय है। जीसस का जो उपदेश वो बताते हैं उस पर यूरोप और अमेरिका आज तक नहीं चले, लेकिन एक रिचुअल है उनके लिए, कर्मकांड है जीसस के बहाने चर्च का कंट्रोल। तो उससे जो अत्याचार हुए स्त्रियों के साथ, साधारण लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ भयंकर अत्याचार हुए, उसके पक्ष में यूरोप के कुछ लोग, जब उनको दुनिया का पता चला कि सब जगह क्रिश्चियनिटी जैसा पैशाचिक तंत्र नहीं है, बाकी समाज जो है संसार के वो थोड़ा ह्यूमन है, थोड़ा अच्छे हैं, तो उन्होंने रिलीजन का विरोध शुरू किया, जिसका अर्थ होता है चर्च का विरोध, क्रिश्चियनिटी का विरोध। और उन्होंने कहा कि भाई पूरी तरह चर्च की जकड़बंदी तो इतनी भयंकर है यूरोप में और अमेरिका में आज भी, कि वो उसका टोटल अपोजिशन तो संभव नहीं था, पूरा विरोध नहीं कर सके आज तक कोई भी यूरोप का कोई भी राजनेता, चर्च का सोसाइटी के लाइफ से, नेशनल लाइफ से उसको समाप्त कर दे, एरिडिकेट कर दे, ये आज तक संभव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला कि चर्च तो जो है वो रिलीजियस बिलीफ के, एक रिलीजियस बिलीफ की तरह रहे, एक उनका विश्वास फेथ उसमें रहे, लेकिन वर्ल्डली लाइफ है वो चर्च से कंट्रोल नहीं हो, बल्कि पॉलिटिक्स से यानी स्टेट से कंट्रोल हो। तो ये स्टेट और चर्च के बीच में ये द्वंद्व चल रहे हैं, और अभी तो स्टेट की जीत हुई है, जब से नेशन स्टेट हो गया है 150 वर्षों से, तो नेशन स्टेट ज्यादा पावरफुल है, चर्च को वो अपने सबॉर्डिनेशन रखता है, लोगों को फरमाने के लिए चर्च को छूट देता है, लेकिन पॉलिटिक्स पर कंट्रोल स्टेट करता है, और चर्च से सौदेबाजी होती रहती है टॉप के लीडर्स की। तो चर्च का कुछ, चर्च उनका काम करता है, चर्च उसका काम, चर्च का काम नेता करते हैं, लीडर्स करते हैं, यही है, स्टेट्समैन करते हैं। अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट होता है वो कहीं बाइबल दिखाएगा, कहीं चर्च में सर्विस करने, यानी ये शपथ लेने जाएगा कि हम चर्च का साम्राज्यवाद दुनिया भर में फैलाएंगे, लेकिन बाकी तो वो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिसी हैं, स्ट्रेटजीज हैं, सेना, रक्षा आदि के काम तो चर्च से नहीं पूछ के करता, वो तो अपना
स्टेट की जरूरत के मुताबिक और अपने पॉलिटिकल एजेंडे से करता है। खैर, तो यूरोप की ये समस्या है। यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, वो चर्च जो चर्च एंटी से ग्रस्त यूरोप का ही एक एक्सटेंशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो वहां के थोड़ा ज्यादा विद्रोही किस्म के लोग थे, उन्होंने सोशलिज्म शुरू किया। लेकिन जब ये कार्ल मार्क्स हुआ तो उसने एक अजीब सी व्याख्या की। उसने कह दिया कि पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरी मनुष्यता की एक डेस्टिनी है, और वो डेस्टिनी ये है कि वो पहले पहले तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, इसके बाद फ्यूडल सिस्टम आया, इसके बाद जो है कैपिटल सिस्टम आया हुआ है उसके समय, और इसके बाद फिर क्रांति होगी, और जो साइंस के जानकार होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जानकार होंगे लेकिन लेबर होंगे, प्रोलेटेरियत होंगे, श्रमिक होंगे, वो अचानक क्रांति करेंगे, सशस्त्र क्रांति करेंगे, और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनसे सत्ता छीन लेंगे और उनको मार देंगे, और फिर इसके बाद स्टेट को चलाएंगे, और वो स्टेट पूरी सोसाइटी का स्टेट माना जाएगा। ये सब एक मानसिक बातें हैं। तो ये कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स के नाम पर जब बाद में लेनिन और स्टालिन ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, भयंकर हत्याएं और उत्पीड़न, किसानों का नाश किया, तो जो थोड़े से अच्छे हृदय वाले लोग थे उन्होंने फिर उसका विरोध किया, और वो अपने आप को सोशलिस्ट ज्यादा कहने लगे। तो सारे विश्व में कम्युनिज्म के रिबेल या कम्युनिज्म से थोड़ा डिसएग्रीमेंट रखने वाले सोशलिस्ट हुए, और एक सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स से पहले कुछ लोग सोशलिस्ट थे, वो ये कहते थे कि चर्च का कंट्रोल नहीं होना चाहिए सोशल लाइफ में, नेशनल लाइफ में। चर्च एक प्राइवेट लाइफ का प्राइवेट पार्ट रहे, और जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज हैं वो स्टेट के द्वारा तय हो। तो वो भी सोशलिस्ट थे। तो भारत में जो समाजवादी धारा आई, वो शुरू में वो सब कम्युनिस्ट थे लेकिन थोड़ा भारतीयता वाले थे, तो कांग्रेस से जुड़े थे। कम्युनिस्ट पार्टी अलग से बनी, जिस हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक पूरा इतिहास है। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जो सोवियत संघ की ब्रांच थी, बाद में चीन की ब्रांच हुई, तो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी समाजवादियों की आज बात कर रहे हैं। कल जयप्रकाश नारायण की बात की थी, वो कम्युनिस्ट से फिर भारतीयतावादी बने, लेकिन चूंकि उनका व्यवहारिक आधार स्पष्ट नहीं था तो वो अंत तक दो तरह की बातें करते रहे, और इसीलिए उनको सारे देश का अद्भुत समर्थन मिलने पर भी राजनीति में वो कोई गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव किसी प्रकार का चेंज नहीं ला पाए। वो जो रूटीन था स्टेट का और पॉलिटिक्स का वही चलता रहा। अब सोशलिज्म की बात और विस्तार से करेंगे। तो कांग्रेस में जो लोग थे जिनको कम्युनिज्म की पोल पता थी, कम्युनिज्म की बुराइयां दिख रही थी, उन लोगों ने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1930 में उसकी बैठक होने लगी, 1932 में उसे फॉर्मल रूप दे दिया गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी, यूसुफ देसाई, रामनंदन मिश्रा, अच्युत पटवर्धन, इन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। बाद में उसमें राहुल सांकृत्यायन वगैरह भी शामिल हुए, फिर वो अलग हो गए, सीधे कम्युनिस्ट हो गए। तो मुख्य धारा जो सोशलिस्टों की थी उसमें शुरू में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, रामनंदन मिश्रा, मीनू मसानी, यूसुफ देसाई, ये बड़े नाम थे। इसके बाद उसमें जो पहली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, मैंने कल भी बताया था, उसके प्रेसिडेंट हुए आचार्य नरेंद्र देव और जनरल सेक्रेटरी हुए जयप्रकाश नारायण। अब ये जो राम मनोहर लोहिया एक दूसरे नेता हुए हैं, राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था अयोध्या जनपद में। तो उनके उनकी माँ जब वो 2.5 वर्ष के थे तभी उनका देहांत हो गया माता जी का, और पिताजी जो है वो कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता थे, तो वो गांधी जी के साथ लगे रहते थे, गांधीवादी थे। तो राम मनोहर लोहिया का लालन पालन मिर्जापुर के गोयनका परिवार ने किया, जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया के दूर के संबंधी भी होते हैं। तो वो संस्कारी परिवार था, और चूंकि राम मनोहर लोहिया मिर्जापुर में रह के एक संस्कारी मारवाड़ी परिवार में पले, और उनके पिता जो थे वो भी संस्कारी मारवाड़ी थे, इसलिए लोहिया ने बचपन में गीता भी पढ़ी और थोड़ा बड़े होकर योग सूत्र पढ़ा,
बहुत उसका कोई विधिवत अभ्यास नहीं किया, अध्ययन नहीं किया दार्शनिक तौर से, लेकिन मोटा मोटी उनको जानकारी हो गई, इससे उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग बन गई। फिर वो जर्मनी गए, जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की, तो उससे उनको और मार्क्सवाद की बहुत सारी कमियां और दोष पता चले। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जब राम मनोहर लोहिया 22 वर्ष के थे तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। वो युवा थे, जर्मनी से हो आए थे और पूरे उत्साह से थे, तो लेकिन खूब पढ़ते लिखते थे और उनमें भारतीयता के संस्कार भी थे। तो उन्होंने मार्क्स का विरोध किया। उनकी उनकी एक थ्योरी थी कि ये जो मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है, ये यूरोप का भारत सहित सारे एशियाई देशों पे अंतिम आक्रमण है, लास्ट अटैक ऑफ यूरोप अगेंस्ट एशियन कंट्रीज, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। भारत के विरुद्ध और एशियाई देशों के विरुद्ध यूरोप का ये आखिरी आक्रमण है जो कम्युनिज्म है। पहला आक्रमण तो क्रिश्चियनिटी ने किया और दूसरा आक्रमण उन्होंने कहा ये कम्युनिज्म का है। तो क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म दोनों के आक्रमण जो है वो एशिया को खत्म कर डालने के लिए है, भारत को खत्म कर डालने के लिए है। तो उन्होंने कहा कि इस आक्रमण को, कम्युनिज्म को अगर हम लोग डिसोन कर दें, अस्वीकार कर दें और भारत का अपना एक समाजवाद विकसित करें तो भारत खड़ा हो जाएगा और इसकी बहुत तरक्की होगी, नहीं तो ये कम्युनिज्म के रास्ते पर चला जाएगा। जो गांधी जी भी कहते थे कि ये विध्वंस का रास्ता है, पैतृकता का रास्ता है, राष्ट्रतत्व का रास्ता है। गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस छोड़ दी, कि बाद में ये लोग कई वर्षों बाद उनको बार बार बुलाते रहे, लेकिन विध्वंस सदस्य वो शायद फिर उसके बाद कभी नहीं बने। तो लोहिया जो है शुरू में जैसे ही उन्होंने विरोध किया कम्युनिज्म का, मार्क्सवाद का, फिलोसॉफिकल विरोध किया, उनका कहना यह था कि मार्क्सवाद जो है, जो कार्ल मार्क्स है, उसको विश्व की कोई जानकारी नहीं है और क्रिश्चियनिटी के बाहर की किसी सभ्यता और संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने विरोध किया, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने उनको पार्टी से निकाल बाहर किया। मार्क्स का विरोध करने के कारण और कम्युनिज्म का विरोध करने के कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो फिर जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में ही काम करते रहे, जवाहरलाल नेहरू ने उनको विदेश विभाग संभालने कहा और अंत में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, कांग्रेस पावर में आ गई, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ कुछ दिन काम करने के बाद लोहिया को लगा कि ये आदमी भी पाखंडी है, तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाने की बात की। तक उनको पार्टी से निकाला जा चुका था, तो उन्होंने एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी करके बनाई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया के द्वारा बनाई गई पार्टी। अब राम मनोहर लोहिया की समस्या यह थी कि वो पढ़ाई लिखाई तो उनकी जर्मनी में हुई थी, यूरोप में भी घूमे थे, उनके दोस्त यूरोप में थे, तो वो सोशलिज्म के प्रति अट्रैक्टिव भी थे और भारत के दर्शन के प्रति भी आकर्षित थे। तो उन्होंने गीता में जो कहा है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति, ये श्लोक उनको बहुत पसंद था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सृष्टि चक्र लगातार चलता है तो सृष्टि चक्र के अनुसार चलना चाहिए। इसकी उन्होंने थोड़ी आधुनिक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसको व्हील ऑफ हिस्ट्री कहा, इतिहास चक्र। उन्होंने कहा कि इतिहास चक्र को समझना चाहिए, तो सृष्टि चक्र, गीता के सृष्टि चक्र की जगह उन्होंने व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र की बात की। लेकिन नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि से उनका मतभेद ये था कि वो कहते थे कि भारत कई बार सभ्यता के शिखर पर रह चुका है इतिहास में, जब यूरोप एकदम अविकसित था, भूखा नंगा था, इसके पास खाने नहीं था, दरिद्र था, उस समय भारत विश्व में सभ्यता के शिखर पर था। तो ये व्हील ऑफ हिस्ट्री चलता रहता है। इस समय बाद में यूरोपियंस लोग और खासतौर से इंग्लैंड ताकतवर हो गया, अन्य यूरोपियन कंट्रीज नेशंस ताकतवर हो गए, तो भारत जो है नीचे चला गया, अब फिर हम भारत को ऊपर ले आएंगे। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र को समझना, ये उनका बल था। तो उनका कहना था कि भारत फिर कैसे आगे बढ़े ये देखना होगा। लेकिन अंत में, और योग सूत्र से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा कि जो चित्त का शोधन, चित्त को उदात्त बनाना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन थे वो मुख्यतः पॉलिटिकल एनिमल, राजनीतिक प्राणी। तो उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जो कभी व्यवहार में नहीं आया, कि राजनीति में दो प्रकार के लोग होने चाहिए,
एक तो वो जो बहुत आदर्श निष्ठ हो, इसके लिए उन्होंने शब्द दिया पैगंबरी, पैगंबरी धारा। अब ये उनका अपना शब्द है पैगंबर शब्द, क्योंकि पैगंबर तो मोहम्मद थे और दूसरे लोग थे, भारत में तो कभी कोई पैगंबर हुआ नहीं, अवतार ही होते रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैगंबरी धारा के होने चाहिए, यानी उनको शुद्ध आदर्श और आध्यात्मिक बातें करते हुए, दार्शनिक बातें करते हुए जीवन जीना चाहिए राजनीति में, और कुछ लोग सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहिए, विल टू पावर उनमें होनी चाहिए, सत्ता पाने की इच्छा। अब इससे दो तरह के लोग, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी आंदोलन था उसमें दो तरह के लोग आ गए। एक तो वो लोग आए जो बहुत आदर्शनिष्ठ थे, लेकिन फिर भी उनकी बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई भारत की नहीं थी, उन्होंने यूरोप का बहुत अध्ययन किया और लोहिया को पढ़ा, तो लोहिया से उन्होंने कुछ भारतीयता के सूत्र लिए। इसमें सबसे बड़े जो बौद्धिक वो हैं ओम प्रकाश दीपक और किशन पटनायक, और कुछ और लोग भी हुए, लेकिन ये दो बहुत बड़े बौद्धिक हुए डॉक्टर लोहिया की वैचारिक विरासत के। बाद में उसमें कमलेश जी वगैरह भी हुए। तो ये लोग लोहिया को, जब वो लोहिया बाद में संसद में गए, तो ये सब क्या करते थे, ये उनके लिए संसद की तैयारी करते थे, ऐसे प्रश्न पूछना, कांग्रेस को कैसे घेरना, थोड़ा भारतीयता के पक्ष में भाड़ना। और जब चीनी आक्रमण हुआ तो उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को बहुत अधिक आगे बढ़ाया, और उस समय जनसंघ थी तो जनसंघ से मैत्री की बात कही, क्योंकि राष्ट्र की राष्ट्रीयता की धारा जनसंघ है। तो ये एक था। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी धारा थी युवकों और युवतियों की, वो एकदम विल टू पावर वाले थे, यानी सत्ता में हिस्सा होने की लालसा उनमें थी, तो वो बहुत बड़ी धारा बन गई। उसी में राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, ये सब नेता सामने आए। तो ये विल टू पावर वाले हैं, ये सत्ता चाहते थे, इनको विचार जो है इनके लिए कवर था, और जो इंटेलेक्चुअल धारा थी वो उनके लिए विचार मुख्य था। तो वो विचार तो करते रहे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें वो साइड लाइन कर दिए गए, किनारे कर दिए गए, तो वो उतने बड़े नेता नहीं हुए। और मास लीडर कौन हुआ, राजनारायण, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, रवि राय आदि। तो ये हुआ। इससे क्या हुआ कि वैचारिक ढंग से राम मनोहर लोहिया के शिष्य बहुत प्रखर थे, लेकिन वो थोड़े थे। तो भारत में कुछ समय तक साहित्य में और वैचारिक जगत में राम मनोहर लोहिया के वैचारिक शिष्यों का बहुत प्रभाव रहा। अधिकांश बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को लोहियाइट कहते रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स में जो लोग गए वो वैसे थे जैसे कांग्रेस में थे और दूसरी जगह हैं। तो ये एक तरह की द्वैध भाव, दुविधा का भाव, दो तरह की धाराओं का परस्पर भेद राम मनोहर लोहिया के शिष्यों में हुआ। अब लोहिया की समस्या ये थी कि वो सूत्र रूप में तो भारतीयता को जानते थे, लेकिन थोड़ा सा गीता पढ़ा था, गीता पढ़ी थी और थोड़ा सा योग दर्शन पढ़ा था, बाकी विस्तार से पढ़ा नहीं था। लेकिन भारत के बहुत से सन्यासियों से, आध्यात्मिक लोगों से वो सत्संग करते रहते थे, जैसे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी उनके बहुत आत्मीय मित्र थे, और भी बहुत से साधु सन्यासी लोहिया के बहुत मित्र थे। जब गौरक्षा आंदोलन चला तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने सबसे पहले उन्हीं को बुलाया कि मैं अमर अनशन पर बैठा हूं, तुम आके देख जाओ। तो लोहिया गए और फिर उन्होंने जीत करके उनको मौसमी का रस वगैरह पिला के कहा ये अमर अनशन से कुछ काम नहीं होगा, तो उस आंदोलन को वो कर दिया। जब 1966 में संसद भवन के सामने गौरक्षकों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे लेकिन आप वातावरण बनाइए, तो सारे ही संतों ने, जिनमें शंकराचार्य, स्वामी निरंजन देव तीर्थ आदि शीर्षस्थ लोग, स्वामी कल्पात्री जी भी शामिल थे, ये गए और इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा को भेजा कि उनसे बात करके आओ और हम उनकी मांगे मानेंगे। तो उन लोगों ने बात की और अपना एक मांग पत्र तैयार किया, और फिर ये था कि भाई संसद पे दबाव बनाओ, तो वो संसद के सामने प्रदर्शन के लिए गए। और इंदिरा गांधी के मन में पाप था, जब वो बहुत सारे साधु उनके साथ, देश भर के साधु हजारों की संख्या में थे, ऊंचे पूरे मस्त, तो उनको देख के पुलिस वाले झुकने लगे, प्रणाम करने लगे, तो इंदिरा गांधी को दूर भीतर संसद में बैठी थी, फिर बाद में अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चली गई, वहां से खबर आ रही थी, तो वो या तो उनको झूठ फीडबैक दिया गया या वो घबरा गई, तो उन्होंने पहले लाठियां चलवा संतों पर, फिर गोलियां चलवा दी, तो कई हजार लोग घायल हुए और शायद 1000 से कुछ अधिक लोग मारे गए, सब ब्रह्मचारी, संत, महात्मा।
वो जय श्री राम और हर हर महादेव कहके संसद भवन की ओर बढ़ते और उनको पुलिस गोलियों से मार देती। ये बहुत ही भयंकर दृश्य हुआ। तो स्वामी कल्पाचार्य ने इसके कारण इंदिरा गांधी को शाप दे दिया कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। खैर, तो उसमें राम मनोहर लोहिया ने गौरक्षा के आंदोलनकारियों का बहुत समर्थन किया और फिर बाद में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी लौट तो गए वहां से, उनको ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया झूंसी में। उस आमरण अनशन को लोहिया ने तोड़वाया। तो ये उनकी एक धारा थी भारतीयता की। और इसके साथ कम्युनिज्म का विरोध करके वो जो जनसंघ बनी थी भारतीयता की बात करने वाली पार्टी, उसके साथ उन्होंने तालमेल बिठाया। और फिर उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गैर कांग्रेसवाद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सारी बुराइयों की जड़ है। उनका एक सिद्धांत था कि कांग्रेस एक तरह से कूड़ा है, सड़ा हुआ कूड़ा। यूरोप के विचारों का और यूरोप की राजनीति और साम्राज्यवादी राजनीति का अवशेष है, ये उसका रेजिडुअल है और ये कूड़ा है जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस की धारा। तो इस कूड़े में कचरे पड़ते हैं, तरह तरह के कचरे हैं कूड़े में और उससे कीड़े पलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें भांति भांति के कीड़े हैं, कम्युनिज्म का कीड़ा है, कम्युनिज्म का कीड़ा है। तो इन कीड़ों के असली कीड़ों को पालने पोसने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक स्लोगन दिया कह लीजिए या उसका एनालिसिस दिया। तो इसके कारण उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया कि कांग्रेस को हटाइए तो इस देश की जो इनर पावर है वो कई धाराओं में व्यक्त होगी और फिर असली भारत सामने आएगा। कांग्रेस ने भारत की छाती पर एक तरह से बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया है भारत के गले में, जिसे डॉक्टर केडीए कहती हैं भाटा बांध दिया है। तो भारतीय चेतना के गले में बहुत बड़ा भाटा या बहुत बड़ा पत्थर बांधने का काम कांग्रेस ने किया है। तो पहले इस कांग्रेस को हटाओ सत्ता से, तो इसके बाद फिर देश की स्वतंत्र ऊर्जा उभरेगी। तो उसे गैर कांग्रेसवाद उन्होंने कहा। तो गैर कांग्रेसवाद के कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोचधारा जनसंघ के बहुत निकट आई। क्यों? क्योंकि वो राम कृष्ण और शिव की बात करते थे, उन्होंने रामायण का महत्व बताया, रामायण मेला आयोजित किया और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि राम तो मर्यादित, माने राजनीति में मर्यादा कैसे रहनी चाहिए, इसके शिखर प्रतीक राम है, मर्यादा पुरुष है। इसलिए जगह जगह रामायण मेला का आयोजन उन्होंने करवाया, चित्रकूट में उनके द्वारा चलाई गई रामलीला आज तक चलती है, रामायण मेला आज तक चलता है, कई जगह रामायण मेला होने लगे। उन्होंने कृष्ण के कहा, कृष्ण को कहा कि ये तो राम जो है विशाल हृदय के, अभी उनकी अपनी परिभाषा थी कि राम विशाल हृदय के द्योतक है, हालांकि राम के बराबर बुद्धिमान तो कौन होगा। और योगेश्वर कृष्ण जो है विशाल मस्तिष्क के प्रमाण है, उन्मुक्त मस्तिष्क, और भगवान शिव जो है वो तो एकदम सभी आयामों से परे, उनका कोई एक आयामों में चित्रण नहीं किया जा सकता, ऐसे विराट हैं। तो राम कृष्ण और शिव ये तीन जो है ये भारतीय चेतना के शिखर प्रतीक हैं, शिखर पुरुष हैं, शिखर प्रतिनिधि हैं, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे देशभक्त, क्योंकि उस समय जनसंघ ताकतवर नहीं हुआ था, तो जो लोग भारतीयता वाले थे, भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को, अध्यात्म को मानने वाले थे, उत्तर भारत में ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ गए। लेकिन उनमें से कोई बड़ा नेता नहीं बन पाया। नेता तो सब वही जो उत्पाती किस्म के, उपद्रवी किस्म के युवक युवतियां थे वही बने, तो वो श्रृंखल ज्यादा थे। राम मनोहर इसमें लोहिया जी के विचारों में ही दो बीज मौजूद थे। एक ओर तो बहुत उन्नत विचार करते थे, दूसरी ओर वो थोड़ा उपद्रव के लिए छात्रों को बहुत उकसाते थे। तो उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जो चलाया उसमें काफी कहा कि अंग्रेजी को भारत से हटना चाहिए। तो जगह जगह साइन बोर्ड में कालिक पोती गई, जगह जगह अंग्रेजी का विरोध किया गया कि भारत की भाषा जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने हिंदी की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि चले देश में देसी भाषा, डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा। डॉक्टर लोहिया चाहते हैं कि भारत में भारतीय भाषाएं चलें। इसमें बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, तो उसका दबाव पड़ा। दूसरे, जवाहरलाल नेहरू ने औजेदुंग से संधि करके तिब्बत में उसका कब्जा करने दिया। तो तिब्बत को जब चीनी सेनाएं रौंद रही थी और उसमें भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू मदद कर रहे थे, यहाँ से चावल भेजा, चीनी सैनिकों के लिए चावल भेजा, अस्त्र शस्त्र भी भेजे, एक तरह से वो जवाहरलाल नेहरू का देशद्रोह था खुलेआम। तो भारत के हितों के विरुद्ध तिब्बत को चीन को दे रहे थे। तो उस समय अकेले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता थे जिन्होंने
नेहरू के, नेहरू को एक बार देशद्रोही तक कह दिया, उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह का काम है और नेहरू जो कर रहा है वो देशद्रोह है। उस समय और किसी की हिम्मत नहीं थी जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध इतना तेज वक्तव्य देने की, लेकिन लोहिया ने दिया। और जवाहरलाल नेहरू चूंकि लोहिया के पुराने मित्र थे तो उन्होंने इस पे झुंझलाए तो बहुत नाराज हुए कि कोई लीगल एक्शन नहीं उठाया, तो इसलिए वो चलता रहा। हालांकि बाद में कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार करके पुलिस से उन्होंने पिटवाया भी, एक बार उनका अंगूठा लगभग बुरी तरह तोड़वा दिया, छड़ी बड़ी मारी गई। इस तरह से कांग्रेस शासन में, अंग्रेजी शासन में तो डॉक्टर लोहिया की उम्र कम थी और हालांकि बाद में ज्यादा हो गई थी, 37 साल के हो गए थे, लेकिन फिर भी वो भूमिगत थे और बहुत थोड़ी सजा मिली। लेकिन कांग्रेस शासन ने अंग्रेजों से भी ज्यादा डॉक्टर लोहिया को जेल में भी भेजा और पिटवाया भी और काफी प्रताड़ित किया, आतंकित किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का सबसे विरोध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करते थे, खासतौर से चीनी आक्रमण के बाद वो बहुत उग्र हो गए। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जैसे मनुष्य की सीमा क्या है, तो बोले मनुष्य की चमड़ी ही उसकी सीमा है, हम मानी ये जो स्किन है ये ही इसी से ये हमारे शरीर की सीमा है, व्यक्तित्व की सीमा भी है, व्यक्तित्व मतलब भौतिक रूप से सीमा यही है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि देश की सीमा देश की चमड़ी, उन्होंने एक उपमा दी, तो जैसे मनुष्य की सीमा उस चमड़ी है, उसी प्रकार देश की सीमा देश की चमड़ी है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी खरोंच लगे तो पूरे देश को प्रतिक्रिया करना चाहिए। और उन्होंने कई बार ऐसा किया कि भले कुछ कम्युनिस्ट का शासन भी है, अगर कांग्रेस उसमें इलीगल काम करती है तो वो उसके विरोध में आंदोलन करते थे। तो जब तिब्बत चीन के कब्जे में दे दी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओज़ेदुंग के कब्जे में जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया, तो इन्होंने बहुत विरोध किया। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने नेफा बनाया, नेफा मतलब उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, सात जो आजकल सात अलग अलग स्टेट बन गए हैं, उनको मिला के एक नेफा बनाया और वहां क्रिश्चियन मिशनरीज को खूब जाने दिया कि जाओ तुम कन्वर्जन करो, और हिंदुओं को वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो जब लोहिया ने बिना परमिट के वहां, उन्होंने कहा कि भारत का हिस्सा है, हम बिना परमिट के जाएंगे, केवल क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ क्यों जाए, हम भी जाएंगे। तो जब वो बिना परमिट के नागालैंड गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हुई, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज को नागालैंड मेघालय सब जगह जाने की छूट है, और राम मनोहर लोहिया जैसा बड़ा राष्ट्रीय नेता अगर वहां बिना परमिट के जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वापस, कई बार ऐसा हुआ कि उनको पकड़ के वापस, जिसे वो भारत कहते थे नेहरू ने, एक प्रकार से उन्होंने नेफा को भारत के बाहर का हिस्सा, उसका एक फेडरेशन जैसा मान लिया, भारत का अभिन्न अंग नहीं माना। तो लोहिया ने इसको देशद्रोह कहा, उन्होंने कहा कि ये तो भारत का हिस्सा, और जैसे शेष भारत में लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, इसी तरह नेफा में भी उत्तर पूर्वी भारत में जाना चाहिए। तो और चीन ने जब आक्रमण किया तब नेहरू के विरुद्ध बहुत तेज वक्तव्य दिया जो सारे अखबारों में छपा, और इससे जवाहरलाल नेहरू तिलमिला गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही है और ये देश पर जानबूझ के संकट बढ़ा रहा है, चीन को, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को और माओज़ेदुंग को गुपचुप रूप से सहायता दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराधी है, भारत के विरुद्ध काम कर रहा है, ऐसा कहा। तो उससे जवाहरलाल नेहरू बहुत बौखला गए। तो ये तो लोहिया की धारा है, लेकिन दूसरी ओर वर्ग संघर्ष के तर्ज पर स्ट्रगल किया, एक ओर तो वो मार्क्सवाद के इतने विरोधी हैं सैद्धांतिक, दूसरी ओर उन्होंने एक विचित्र सा सिद्धांत दिया कि यहाँ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, ये हजारों साल से सताए हुए हैं। अब ये तो उन्होंने पादरियों की भाषा बोल दी, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ रिकॉर्ड नहीं है भारत में कि कोई सताया गया है। तो उन्होंने कहा ये हजारों साल से सताए हैं और स्त्रियों के साथ भी भारत में बहुत अत्याचार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अब ये इनको बैकवर्ड कहा, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और गरीब मुसलमान को भी उसमें जोड़ दिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब गरीब मुसलमान और भारत की सब स्त्रियां बैकवर्ड क्लास हैं। तो इनको पॉलिटिक्स में और स्टेट के शेयरिंग में, स्टेट पावर शेयरिंग में 60% हिस्सा देना चाहिए, इसके इसका नारा दिया गया संसोपा के द्वारा, डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ पिछड़े पाव में सौ में साठ।
अब उस समय तो बहुत बड़े बहुत सारे युवक ब्राह्मण युवक युवतियां क्षत्रिय युवक युवतियां घरों के वैश्य युवक युवतियां सब उनके साथ हो लिए समझ के कि ये बहुत बड़ा देशभक्त है, रामकृष्ण और शिव की बात करता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, हिमालय बचाओ आंदोलन उन्होंने शुरू किया, तो हिमालय बचाओ, रामायण मेला, रामकृष्ण शिव, भारतीय भाषाएं बचाओ और अंग्रेजी हटाओ, इस सब बातों के कारण और देशभक्ति की बातों के कारण बहुत सारे जिन्हें वो ऊंची जातियां कहते थे सबसे ज्यादा उनके ही युवक युवतियां उसमें गए। लेकिन फिर उसमें से जो यादव आदि कुछ जातियों के नेता थे शुरू में वो भी बड़े जैसे राम सेवक यादव एक बड़े तेजस्वी नेता थे संसोपा के, तो बड़े सच्चे थे निष्पक्ष थे, लेकिन बाद में कुछ यादव और दूसरे पिछड़े नेताओं ने उसमें से उनका एक शब्द पकड़ लिया कि जाति संघर्ष वर्ग संघर्ष की जगह जाति संघर्ष होना चाहिए और धीरे धीरे उनके बाकी विचार तो छोड़ दिए और जातिवाद को अपना लिया। कि अच्छा इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, डॉक्टर लोहिया यादवों कुर्मियों नाइयों साहू तेली आदि सबको मझोली जातियां कहते थे मिडिल कास्ट, उन्होंने भारत के हिंदू समाज का जो डिवीजन किया उसमें अपर कास्ट मिडिल कास्ट और लोअर कास्ट ऐसा डिवीजन किया। तो अपर कास्ट में है ब्राह्मण सब क्षत्रिय सभी ब्राह्मण सभी क्षत्रिय और सभी उच्च वैश्य और मिडिल कास्ट में है यादव कुर्मी कोयरी काछी नाई तेली ये सब पूरा पटेल ये रेड्डी वक्कालिंगा कम्मार ये सब जो है ये मिडिल कास्ट है और लोअर कास्ट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल गरीब मुसलमान और भारत की सब स्त्रियां सबको उन्होंने कहा ये लोअर है इनके साथ अनुचित भेदभाव होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं था पर उन्होंने कहा। अब इसमें से जो यादव कुर्मी काछी पटेल आदि जातियों के कुछ सोशलिस्ट थे उन्होंने इसी को पकड़ लिया और उन्होंने अपने को भी ओबीसी अन्य पिछड़ा डॉक्टर लोहिया कहते थे पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने कहा हम अदर बैकवर्ड हैं और मंडल कमीशन जो बना उसने इनको ओबीसी कह दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड के नाम पर यही लोग ताकत में आ गए यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो थोड़ा पीछे रह गया, ओबीसी सबसे पावरफुल हो गए और आजकल ओबीसी की ही पॉलिटिक्स चल रही है। तो डॉक्टर लोहिया के जो श्रेष्ठ विचार थे व्हील ऑफ हिस्ट्री भारत पुनः विश्व में ऊपर जाए लेकिन ऐसा ऊपर जाए कि दूसरों को नीचे न करे जिससे संतुलन बना रहे लंबे समय तक आदि आदि जो उनकी ऊंची बातें थी और भारतीय भाषाओं में काम हो हिमालय बचाओ राम मेला आदि तो पड़ गए पीछे और ये जाति संघर्ष और ओबीसी पावर में आए ये सबसे आगे आ गया। तो जो जैसे संप्रदाय हैं मठ हैं इनमें तो क्या होता है जो आचार्य का विचार है वही शिष्य उसी का अनुसरण करता है। तो संप्रदाय में धार्मिक संप्रदायों में यानी सनातन धर्म के जो अंगभूत संप्रदाय है मैं इस्लाम और ईसाइत न तो धर्म है और न वहां कोई संप्रदाय होता वो तो फिरके हैं और वो पॉलिटिकल फिरके हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं गैंग्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म के जो विविध संप्रदाय हैं जिनका आधार धार्मिक चिंतन और धार्मिक साधना और उपासना होता है उसमें जो मठ का या संप्रदाय का पीठाधीश्वर या अध्यक्ष होता है उसके विचार ही प्रधान होते हैं तो जो उनका शिष्य आएगा वो उनकी विद्वत्ता उनकी विद्या उनके ज्ञान और उनके विचार का ही अनुशीलन और अनुवर्तन करेगा उसी को पढ़ेगा। इसीलिए संप्रदाय में तो निरंतर क्रम चलता रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आचार्य जो कहा उसके विपरीत कोई कर दे। लेकिन ये जो राजनीति है इसमें अलग है, इसमें प्रायः जो बाद के नेता हैं वो मुख्य नेता की सबसे फालतू बात या सबसे ऐसी बात जो मार्जिनल है उसी को अपना लेते हैं अगर वो उनके हित में है, क्योंकि ये पावर स्ट्रगल के लिए गाते हैं ना पॉलिटिक्स में, तो इनको राजनीति सत्ता का खेल है और ये किसी तरह सत्ता पाने के लिए अपने नेता के विचारों के उन अंशों को ले लेते हैं जो उनके उपयुक्त हो और बाकी सब छोड़ देते हैं। तो राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी धारा चलाई उसमें से सारी बातें बाकी लोगों ने छोड़ दी, थोड़ा भाषा की बात करते रहे क्योंकि इनको अंग्रेजी नहीं आती थी जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं मुलायम सिंह वगैरह इसलिए वो हिंदी की बात तो करते रहे, लेकिन बाकी उन्होंने जाति संघर्ष को सामने ला दिया, ओबीसी का समर्थन किया और ओबीसी अब पावर में रहेगी और वो सबको दबाएगी और ब्राह्मणों की निंदा जो मिशनरी लोग करते थे उसको आगे बढ़ा। तो राम मनोहर लोहिया के चिंतन का जो विष था अपने को समाजवादी कहने वाले अधिकांश नहीं सबके सब नेता राम मनोहर लोहिया के चिंतन के विष के जहर के हलाहल के
गरल के उत्तराधिकारी हैं, पॉइजन के उत्तराधिकारी हैं। और राम मनोहर लोहिया के चिंतन में जो अमृत था, जो अच्छा पक्ष था, सत पक्ष था, उसका कोई उत्तराधिकारी भारत में नहीं हुआ। तो राजनेता, राजनीतिक दल और संप्रदाय में ये फर्क होता है, बाकी पार्टियों में भी यही है, तो अलग चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक प्रखर, सबसे अधिक राष्ट्रभक्त, सबसे अधिक भारतीय, सबसे अधिक सनातन धर्म के निकट कोई धारा थी तो वो राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो राम मनोहर लोहिया के चिंतन का जो सबसे कमजोर पक्ष है, जो उन्होंने चलते चलते कह दिया था कि भाई इनको आगे बढ़ाओ, पिछड़े पांव में सौ में साठ, उसका भी जिन्हें वो मिडिल कास्ट कहते थे, जिनके लिए कभी पिछड़ा शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया, उन्होंने लोहिया की आग लेके अपने को अन्य पिछड़ा वर्ग में मंडल कमेटी जो इंदिरा गांधी की योजना से बना था उसका सहारा ले लिया, और फिर अपने को पावर में लाने के लिए जो लोहिया के विचार की सबसे कमजोर और सबसे गलत कड़ी थी उनको दे दिए। तो आज अपने को समाजवादी कहने वाले लोग लोहिया या जयप्रकाश का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनको लोहिया या जयप्रकाश के विचारों से कोई मतलब नहीं, वो उनके लिए आड़ हैं और वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, अब राजनीति की जो समाजवादी धारा के दूसरे जो हैं उनकी भी चर्चा करें। तो सबसे बड़े उसमें थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन बौद्ध दर्शन का उन्होंने अधिक अध्ययन किया। हालांकि जब वो कुलपति बनाए गए जवाहरलाल नेहरू के ही द्वारा, तो उन्होंने सनातन धर्म को काफी आगे बढ़ाया। पतंजल योग दर्शन का एक भाष्य है, स्वामी हरिहरानंद ने पतंजल योग दर्शनम, जो पतंजल के योग सूत्र पर भाष्य लिखा, बहुत ही उच्च कोटि का भाष्य है, तो उसको उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया, और बहुत सारे सनातन धर्म के ग्रंथों को उन्होंने यूनिवर्सिटी के कोर्स में फिलोसफी में शामिल करने का प्रयास किया, क्योंकि उनका संबंध उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों और विद्वानों से था। अब इसमें समस्या यह है कि उनकी बौद्धिक अस्पष्टता थी, उन्होंने मार्क्स को ही नहीं छोड़ा, जिस मार्क्स के वो इतने बड़े प्रशंसक थे कि मार्क्स का नाम लेकर, और वो अपने आप को मार्क्सवादी ही कहते थे, और मार्क्स का विरोध करने के कारण राम मनोहर लोहिया को पार्टी से अलग कर दिया, उस मार्क्स को ही उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा, बल्कि सुंदर भारतीय शब्दावली दे दी। उन्होंने मार्क्सवाद को कहा ये पदार्थवादी अद्वैतवाद है, जो स्वयं में एक झूठ है, क्योंकि मार्क्सवाद में अद्वैतवाद तो कुछ है ही नहीं है, वहां तो सब कुछ द्वैत है, संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल, क्लास एनिमिटी, क्लास वार, युद्ध की बात है। मार्क्सवाद वर्गों के युद्ध पर आधारित है, उसको अद्वैतवाद कहना अज्ञान है। इसका आचार्य नरेंद्र देव ने अपनी भारतीय दृष्टि और भारतीय दर्शन को मार्क्सवाद पर आरोपित कर दिया, यानी वो मार्क्सवाद के विषय में शब्द जाल तो जानते थे पर उसका मर्म उन्होंने कभी नहीं समझा। तो इसलिए राम मनोहर लोहिया ने मार्क्सवाद का मर्म समझा, तो कह दिया कि यह भारत के विरुद्ध यूरोप का अंतिम आक्रमण है और सारे एशियाई देशों के विरुद्ध यूरोप का अंतिम आक्रमण है। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव अंत तक मार्क्सवादी बने रहे और वो मार्क्सवाद को पदार्थवादी अद्वैतवाद कहते रहे। उनका जीवन बहुत ही सादा, बहुत ही पवित्र, बहुत ही आदर्श निष्ठ था, वो पूरे भारतीय संत जैसा उनका जीवन था, लेकिन विचार उनका इतना कूड़ा था कि उन्होंने मार्क्सवाद जैसे भयंकर संघर्षवादी हिंसक उग्र विचार को पदार्थवादी अद्वैतवाद जैसा उदात्त नाम दे दिया। तो भारतीयों में एक विचित्र प्रवृत्ति ये उभरी कि यूरोप के गंदे से गंदे विचार को, घटिया से घटिया विचार को सुंदर भारतीय शब्दावली में प्रस्तुत कर देना, बढ़िया शब्द जैसे रिलीजन धर्म कह देना, जो पादरियों ने किया था, पादरियों के खेल में भारत के ये जो आधुनिक शिक्षित विद्वान है वो पड़ गए। तो उन्होंने, और ये पदार्थवादी अद्वैतवाद पादरियों ने भी नहीं कहा था, ये आचार्य नरेंद्र देव का अपना मूर्खतापूर्ण योगदान है कि उन्होंने मार्क्सवाद जैसे भयंकर कलहकारी, संघर्षकारी, टकराव वाले, भाजनकारी, द्वैतवादी दर्शन को अद्वैतवाद कह दिया, पदार्थवादी अद्वैतवाद, इतना मूर्खतापूर्ण शब्द है पदार्थवादी अद्वैतवाद, और उसके कारण इन्होंने उसको कवर दे दिया। खैर, क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा था, कभी उन्होंने जीवन में न तो कोई अभक्ष भक्षण किया, न कभी शराब पी, बहुत ही साधुवत जीवन था, मांस नहीं खाया, मदिरा नहीं पी, कुछ भी नहीं किया, तो उनके जीवन से लोग प्रभावित थे, और साथ ही विद्या के क्षेत्र में उन्होंने भारतीय दार्शनिकों को पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया, तो ये सब उनके बड़े काम थे, इसलिए उनका नाम हुआ। लेकिन वैचारिक दृष्टि से वो इस विषय में उनमें बौद्धिक अंधता थी, अंधकार था,
कि उन्होंने मार्क्सवाद को पदार्थवाद या अद्वैतवाद किए। दूसरे जो बड़े शिष्य थे अच्युत पटवर्धन, दूसरे जो बड़े समाजवादी थे शिष्य के साथी थे अच्युत पटवर्धन और रामनंदन मिश्रा, इन लोगों को जब मार्क्सवाद का पता चला तो ये सब के सब आध्यात्म की ओर चले गए। फिर इन्होंने मार्क्सवाद छोड़ दिया। अच्युत पटवर्धन, रामनंदन मिश्रा ये आध्यात्मिक हो गए और ये भारत की आध्यात्मिक परंपरा में, और कुछ लोग कृष्णमूर्ति से जुड़ गए, कुछ अपना आश्रम चलाने लगे अलग। समाजवादी धारा का ही विश्लेषण अभी कर रहे हैं। समाजवादी धारा में से आचार्य नरेंद्र देव मुख्यतः विद्या के काम में लग गए। उन्होंने भारतीय विद्याओं को आगे बढ़ाने का बहुत काम किया, परंतु मार्क्सवाद को पदार्थवादी अद्वैतवाद कहके बहुत बड़ा नुकसान भी किया, हानि भी की, सर्वनाश भी किया। और अच्युत पटवर्धन और रामनंदन मिश्रा आध्यात्मिक हो गए। इस बीच भारत में सोवियत संघ में जो हत्याएं हो रही थी किसानों की, जो और अपने विरोधी माने कम्युनिस्ट पार्टी के ही अपने प्रतिस्पर्धियों को लेनिन और स्टालिन जिस तरह से मार रहे थे, अपने सगे वो भी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट लोग कम्युनिस्टों की हत्या कर रहे थे और किसानों की हत्या कर रहे थे और संपन्न लोगों की हत्या कर रहे थे, उसके तथ्य में सबसे पहले मतलब न्यूज प्रिंट से और अमेरिकी पेपर से तो कुछ कुछ आ रहा था, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से पुस्तकार एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, राम स्वरूप जी, जो जिनको प्रोफेसर कुसुमलता केडी अपना गुरु जैसा मानती थी, हालांकि वो गुरु तो नहीं है क्योंकि उनके विचार से केडिया जी के विचार बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत श्रद्धा करती थी। तो उन राम स्वरूप जी ने एक पुस्तक लिखी कम्युनिस्ट माइंड पीरियड थी, वो भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे समाज में बहुत लोकप्रिय हुई। उसमें उन्होंने सोवियत संघ के नृशंस अत्याचारों का पूरा वर्णन दिया कि इतने किसान मारे गए हैं, अधिक मारे गए हैं। तो एक तो उन्होंने उस हत्याकांड के आंकड़े लिए और दूसरे फिलोसॉफिकली भी उसकी जो पोल है वो बताया कि कैसे ये कम्युनिज्म जो है वो किसान विरोधी है, समाज विरोधी है और शांति विरोधी है और मानवता विरोधी है। इसके लिए उन्होंने बहुत से तर्क दिए कम्युनिज्म माइंड प्रेजेंटली। कम्युनिज्म प्रेजेंटरी को श्री अरविंद का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जब वो पहले ही उन्होंने लिखा था जब श्री अरविंद जीवित थे उस समय। और फिर अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया आदि ने भी उसको पढ़ा। तो सब राम मनोहर लोहिया तो पहले से ही कम्युनिज्म के विरोधी थे, अब वो और ज्यादा विरोधी हो गए। अशोक मेहता प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता थे, श्रीधर महादेव जोशी, अशोक मेहता आदि, तो ये लोग भी इनके राम स्वरूप जी की पुस्तक के बाद से मार्क्सवाद से इन्होंने अपनी दूरी बढ़ा ली। तो ये जो प्रजा समाजवादी धारा है, समाजवादी धारा की पार्टी की दो बड़ी धाराएं हैं, एक प्रजा समाजवादी और एक संयुक्त समाजवादी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इनका नाम हुआ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में अशोक मेहता और श्रीधर महादेव जोशी ये बड़े आदर्शवादी और गांधी जी के विचारों से प्रभावित लोग हुए। अशोक मेहता तो बाद में योजना आयोग में भी उन्होंने योजना आयोग को रोक दिया सोवियत संघ के मॉडल पे, लेकिन थोड़ा भारतीय ढंग से उसको देने की कोशिश की। और अशोक मेहता रामस्वरूप जी के बहुत निकट थे, आते जाते थे, तो उन्होंने मार्क्सवाद से अपनी पूरी दूरी बना ली और धीरे धीरे वो भारतीयता की ओर झुकाव था, फिर उनकी मृत्यु हो गई। और श्रीधर महादेव जोशी जो है वो भी गांधी जी के समर्थक हो गए, गांधीवाद के, गांधी विचार के। और जयप्रकाश नारायण का हमने कल बताया ही है कि इन्होंने जब क्वांटम फिजिक्स के तथ्य सामने आए, तब इन्होंने कहा कि जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है इसका जो बेसिक है फिजिक्स का वो तो खत्म हो गया, क्योंकि फिजिक्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इस सिद्धांत पर खड़ा था कि जैसे कि लेबोरेटरी में मासेस को ट्रांसफॉर्म करता है वैज्ञानिक कैटलिटिक एजेंट के जरिए, जैसे कि समझ लीजिए जिंक है और तेजाब है, जेजन प्रोसेस 2SO4, और उसको जब परख नली में के एक प्रॉपर वे से उसको करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन, जेडन प्लस एच टू एस ओ फोर इज इक्वल टू जेडन एस ओ फोर प्लस एच टू जैसे है। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर समाज वैज्ञानिक राजनेता पार्टी के वर्कर्स के हिसाब से समाज को कंट्रोल करे और उसको ट्रांसफॉर्म करें तो पूरा समाज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये फिजिक्स से लिया था। तो क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद इस सिद्धांत की पोल खुल गई कि ऐसा नहीं है, समाज जो है वो कोई बहुत मासर नहीं है। हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी नाम अरविंद केजरीवाल ने लिखा है मूर्खों की तरह, जो मासर्स का ट्रांसलेशन है, लेकिन जयप्रकाश नारायण 1956 में ही समझ गए थे कि जो समाज है वो मासर नहीं है,
तो चेतन जीव है, तो इसलिए इनका ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता कि कोई एक आइडियालॉग, कोई एक पार्टी बॉस पार्टी वर्कर्स की मदद से पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दे। हालांकि कम्युनिस्टों ने, प्रगतिशील आंदोलन ने और उनके बहुत से इक्टा और प्रगतिशील लेखक आदि ने फिल्म में, नाटक में, साहित्य में ये नारे बहुत चलाए, समाज को बदल डालो, समाज का रूपांतरण कर दो, नया समाज बनाना है, पुराना समाज मिटाना है, भारत का पुराना समाज जड़ था, हमको नया समाज बनाना है, समाज को बदल डालो, ये नारे बहुत चले। लेकिन जयप्रकाश नारायण को ये समझ में आ गया कि ये नारे सब झूठे हैं और छल से प्रेरित हैं, तो उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्मफल को माने बिना कोई नैतिक समाज कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं कम्युनिज्म को त्यागता हूँ। तो अच्युत पटवर्धन, रामनंदन मिश्रा, जयप्रकाश नारायण, ये तीनों अलग अलग ढंग से आध्यात्मिक धारा में चले गए। नरेंद्र देव विद्या के काम में लग गए, अशोक मेहता गांधीवाद के निकट होते गए, और उसमें फिर नाथ पई वगैरह भी और भी नेता हैं जिन्होंने कम्युनिज्म से अपनी दूरी बना ली। तो सोशलिस्ट की जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी धारा है वो धीरे धीरे निस्तेज और विलुप्त हो गई, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी धारा तेजस्वी रही डॉक्टर लोहिया के रहते, क्योंकि उसमें आक्रामकता थी, देशभक्ति थी, तेजस्विता थी, और वो लोग राम कृष्ण शिव रामायण मेला आदि की बातें करते थे, भारत की सीमाओं को पवित्र बताते थे, हिमालय की रक्षा की बात करते थे, कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से मुक्त करो इसकी बात करते थे, तो ये सब भारत के लोगों को छूने वाली बातें थी, इसलिए वो लोकप्रिय तो हुए, लेकिन उनके जो नेता थे वो आचरण में उपद्रवी और अराजक से थे। वो भाषण तो बढ़िया दे लेते थे लेकिन कभी उनके आचरण में कोई अनुशासन नहीं था, इसलिए अंत में जो डॉक्टर लोहिया की समाजवादी धारा थी वो लुप्त हो गई, और बाद में मजबूरी जातियों ने अपने को अन्य पिछड़ा वर्ग बताते हुए उसका अपहरण कर लिया। तो मुलायम सिंह जो है वो डॉक्टर लोहिया के जीते भी समाजवादी नहीं थे, वो चरण सिंह के अनुयायी थे, और बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी बना ली डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद, और अपने आप को लोहिया का जो जाति वाला सिद्धांत केवल उसको ले लिए, लोहिया के जो भारत की रक्षा, भाषाओं की रक्षा, अध्यात्म, रामायण मेला आदि था उसको छोड़ दिया। कभी कभी कर्मकांड रूप में कह देते थे अपने को समाजवादी दिखाने के लिए। और ये जो अखिलेश है ये तो और भी विचार विहीन व्यक्ति है, इसको केवल पावर पॉलिटिक्स देखिए, वो भी जातिगत, जातिगत उन्माद, जातियों की हत्याएं, जातियों के आधार पर लूटपाट, पावर शेयरिंग केवल अपनी जाति और मझोली जातियों के कुछ लोगों को और मुसलमानों को साथ लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने समीकरण ही बनाया MY मुस्लिम यादव, तो ये लोग समाजवाद के नाम पर अब ये MY हो गए, मुस्लिम यादव समीकरण, और आजकल वो कुछ और कहने लगे हैं दलित और, लेकिन सबका मतलब वही था कि केवल सत्ता के लिए निर्गम गठजोड़, और इसलिए जो सत्तारूढ़ हैं अथवा जिन्हें आप अपर कास्ट ऊंची जातियां कहते हैं उनके विरुद्ध गाली गलौज, आक्रमण, झूठ बोलना, खासतौर से ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान चला दिया, ठाकुरों के विरुद्ध नहीं चलाया, क्योंकि ठाकुर क्षत्रिय जो है वो शक्तिशाली जाति है और अगर आप उनका फील्ड में विरोध करेंगे तो वो आपको मारपीट देंगे। आदित्यनाथ जी आदि के विरुद्ध भी खुलकर फील्ड में विरोध करने का अखिलेश यादव को कोई साहस नहीं है, वो उनको महाराज जी कह के काम ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुरों के पास बल है, क्षत्रिय माने बाहुबल है, लेकिन ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों में अधिकांश गरीब भी हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की और वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो ब्राह्मणों के विरुद्ध घृणा और क्रोध जगाना ये समाजवाद के नाम पर, लोहिया की विरासत के नाम, लोहिया के उत्तराधिकार के नाम पे, लोहिया के सारे विचारों का नाश करते हुए जातियों के विरुद्ध घृणा, खासतौर से उच्च जातियों और विशेषकर ब्राह्मणों के विरुद्ध घृणा, वैश्यों के विरुद्ध घृणा, ब्राह्मणों और वैश्यों के विरुद्ध यानी उनको धनी कहके, पूंजीपति कहके घृणा अभियान चलाना, ये समाजवाद का सार बचा है। तो समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी तेज था, जो कुछ भी सत्व था, जो कुछ भी धर्म था, वो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के मिलने के बाद समाप्त हो गया। नरेंद्र देव तो विद्या के क्षेत्र में चले गए थे सक्रिय पॉलिटिक्स से हटके, जयप्रकाश नारायण गांधीवाद की ओर चले गए और बाद में विद्या की ओर वो भी चले गए, गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी विद्या संस्थान बनाकर कोशिश की कि वो खड़ा हो, लेकिन फिर वो उसमें आपातकाल वाली राजनीति में चले गए, और अंत में जिस राजनीति में गए उसमें से जो निकला वो लालू यादव टाइप लोग निकले, नीतीश कुमार जैसे लोग निकले, तो राजनीति में पूरी तरह विफल रहे। और राम मनोहर लोहिया की धारा में से
जो भी तेजस्वी और अच्छे लोग थे वो सब समाप्त हो गए और अंत में ये अपने आप को समाजवादी या लोहियावादी कहने वाले जातिवादी नेता यादव कुर्मी और अन्य जातियों के नेता सामने आ गए। ये है समाजवादी पार्टियों का भारत में इतिहास। नमस्कार, आगे कुछ और कहिए, कोई प्रश्न हो तो बताएं। अमेजिंग अमेजिंग, बस आदित्य जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने बोला एंड आपने पूरा का पूरा इतिहास कवर कर दिया 50 मिनट्स में, सिर्फ 50 मिनट में। मैं दर्शकों को बोलूंगा कि इस पे छोटे छोटे रील्स बनाए और चेक करें उसको। मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिकल सीन का आइडिया नहीं था भारत का, क्योंकि जब हम लोग भारत में थे तो तब पूरा फोकस था कि सिर्फ एजुकेशन पे, और मेरा स्ट्रीम अलग था, साइंस था, टेक्नोलॉजी था। थैंक यू, आई एम लर्निंग अ लॉट एवरी डे नाउ, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। आप इसे नोट्स बनाइए और मैं आपको बता दूं, मैं भी नोट्स बना रहा था, आप लोग भी बनाते रहिए, बिकॉज दिस इज हाउ यू लर्न। पेन और पेपर को वापस हाथ में लेने की आवश्यकता है इस समय, फोन्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को बताइएगा इस चैनल के बारे में। जय जगन्नाथ।